हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज हम पहुंचे हैं बरशैनी, बिकॉज हम लोग खीर गंगा ट्रैक करने वाले हैं। और ये ट्रैक अराउंड 12 टू 13 किलोमीटर्स है। तो कसौल से बरशैनी के लिए बस मिल जाएगी आपको, 40 रुपीस में आप आ सकते हो वहाँ पे, नहीं तो फिर आप कैब भी कर सकते हो, बट कैब बहुत महंगा पड़ता है, अराउंड 900 पड़ता है। एंड सो फार कसौल में हम लोग 8 दिन हो चुके हैं हम लोग को कसौल में, एंड हैज बीन वेरी गुड प्लेस टू स्टे। तो चलिए अभी ट्रैक चालू करते हैं। तो हम लोग ने खीर गंगा का ट्रैक चालू कर दिया गाइस, और ये यहाँ पे भी एक हाइड्रो पावर प्लांट बन रहा है। यहाँ पे हम लोग ने एक थोड़ा ऊपर आके ब्रेक ले लिया है एक कैफे में, और यहाँ पे बहुत क्यूट पपीज हैं। गाइस, ये तो है बिजली का कहर। ये पेड़ पे बिजली गिरी थी और इसका ऊपर का हिस्सा वहाँ पे। नेचर इज मेटल। तो यहाँ पे काफ़ी ऊपर नीचे ट्रेल है, जैसे यहाँ पे एक जा रहा है और नीचे जा रहा है, और आप ऊपर से भी आ सकते हो ऐसे। हाँ, बैठा था ना, बैठा था। ये भाई लोग दोनों भी बहुत चिल बंदे हैं और बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा है हम लोग का ट्रैक पे। मैं आपके नाम बता दूँ यार ब्लॉग पे एक बार। रोहन। मयूर। सही है। ब्रेक लिया है और अंडे खा रहे हम लोग और मैगी। तो गाइज, अभी हमारा ब्रेक टाइम खत्म हो गया है, हम लोग ने मैगी और अंडे खाए, कोई थोड़ी जान आ गई है चलने के लिए। तो और 6 किलोमीटर तो है ट्रैक, तो देखते हैं और कितने खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं ऑन द वे। Just look at the size of the trees. So apparently अभी 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, so elevate ही करना है ऊपर ऐसे कुछ। So guys, हम लोग आ चुके हैं सेकेंड वाटरफॉल पे, और ये बहुत बड़ा और बहुत अमेजिंग है। जस्ट हैव अ लुक। सो गाइज, आपने देखा कितना बड़ा वाटरफॉल है ये, और इट इज़ जाइगेंटिक, मतलब बहुत बहुत बड़ा है ये। और बहुत ही ठंडा पानी था, इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। तो अभी तो ये हो गया हमारा, अभी और 2 घंटे बचे ट्रैक के लिए, तो वी आर गोइंग देयर। यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक बता रहे हैं और है, तो देखते हैं कितना टफ है ऊपर। और सो गाइज, वी सॉ अ ट्री हियर, इट्स लाइक हॉलो फ्रॉम इनसाइड, कम्प्लीटली हॉलो, बहुत बड़ा है। सिलेंडर भी लेके आ रहे हैं, और एक ये लोग खच्चर क्या क्या लांद के लेके आ रहे हैं उनके ऊपर सिलेंडर, लिटरली सिलेंडर। ये बड़े वाला है, 19.9 वाला है। और थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ पे घोड़ों की वजह से। वेटिंग फॉर द ट्रैफिक टू गो। अरे
का एक ब्रेक हो गया अभी, चाट ब्रेक। हम लोग ये चाट खा रहे हैं। इसमें ऐसा मसाला है जो एवरेस्ट चढ़ा सकता है। मोर 1 किलोमीटर टू गो, बट यार आज सैटरडे होने के कारण बहुत भीड़ है यहाँ पे, लाइक अच्छी खासी भीड़ होने वाली है ऊपर कैंप्स में, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। सो पीपल, वी फाइनली रीच्ड खीरगंगा टॉप और यहाँ से सारे कैंप्स चालू होते हैं। हाउ आर यू फीलिंग रजत? पहुँच गए फाइनली। फाइनली ब्रो, अचीवमेंट अनलॉक्ड। 15 किलोमीटर्स। 15 किलोमीटर्स। वी क्लाइम्ड प्रीटी फास्ट। हाँ, मतलब रिलेटिवली जितना लोग बोल रहे थे, जितना लोग हाइप कर रहे थे कि ये है वो है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट हाइक गाइज। यू कैन डेफिनेटली डू इट। विल शो यू रेस्ट ऑफ द प्लेस लेटर। बाय गाइज। ऐसे हैं सबके टेंट्स और हमारा ये टेंट है, काफ़ी बेसिक सा है, सिर्फ इस पे क्विल्ट्स है और 3 पिलो है और दैट्स इट। Hey guys, so I'm back from Khirganga Hot Water Springs और बहुत ही relaxing feel हुआ यार। पानी अच्छा खासा गर्म है और जो main source है वो तो उससे भी ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगा। आपने pictures और video तो देखा ही होगा, तो बहुत ही serene experience था और बहुत ही calm लगा और ऐसे body pain तो पूरा चला गया यार। trekking का जो था वो पूरा चला गया बॉडी पेन। हम लोग थोड़ा ऊपर वहाँ पे मंदिर में भी जा, शिव का मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाके आए और वहाँ पे भी दिखाया कि मैंने खीर जो आपको दिखाई, जो मेन सोर्स है हॉट वाटर स्प्रिंग का, वो ऐसे वाइट वाइट हो चुका है साइड से, तो उसको ही लोग यहाँ पे खीर बोलते हैं। और शिव जी का मंदिर है वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा है। बट द डाउन साइड ऑफ खीरगंगा इज यहाँ पे बहुत से कमर्शलाइज्ड टेंट्स हो गए, तो बहुत सारे टेंट साइट्स हो गए, तो द प्लेस हैज़ बिकम वेरी क्राउडेड। और जैसे कि वीकेंड था तो और ही ज़्यादा लोग आ रहे थे, बट नेवरदलेस आई कुड एक्सपीरियंस खीरगंगा एंड यू शुड टू, सो आई हाईली रिकमेंड यू दिस प्लेस, सो प्लीज़ डू कम विजिट। ट्रैकिंग भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही मॉडरेट लेवल का ट्रैकिंग है, ऊपर नीचे, बट थोड़ा लॉन्ग है ये, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा आपको, बट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दैट ईजिली। तो अभी देखते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। प्रॉब्ली हम लोग ग्रहण विलेज जाएंगे जो तोश से थोड़ा ही आगे है, तो वी माइट डू दैट, वी माइट नॉट डू दैट, बट आई विल कीप यू अपडेटेड। दैट विल बी ऑन अ सेपरेट ब्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो।